नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी से बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि जेपी नड्डा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इस फैसले से साफ लग रहा है कि अब जो अध्यक्ष का चुनाव है वो इन्हीं के कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यकाल में होगा और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इन्हीं को आगे चल करके कन्फर्म कर दिया जाए। क्या रणनीति रही होगी नड्डा को बनाने के पीछे? जब से इनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नड्डा अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं बीजेपी के। क्या इनकी खासियत है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। विष्णु जी, क्या लग रहा है कि नड्डा जी को किस लिए? दरअसल पहले आपने बात बोला ना, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तब से हुआ ये, उससे पहले तब से हो गया था जब से यूपी प्रभारी बने थे। जब यूपी का प्रभार उन्हें दिया गया और उसके बाद यूपी को बचाना ही सबसे बड़ी बात थी। खैर, सुनील बंसल वहाँ एक अहम भूमिका रखते हैं ना। आप जो कह रहे थे क्यों बनाया गया होगा, तो आप ये समझिए कि जितना जो कैडर बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो कैडर आता है वो आता है एबीवीपी से। नड्डा जुड़े रहे हैं और ये पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहाँ से एबीवीपी से जुड़े ये, और उसके बाद लगातार हिमाचल के हालांकि रहने वाले हैं, बाद में हिमाचल में इन्होंने राजनीति शुरू की, वहाँ विधायक रहे, वहाँ मंत्री रहे, और उसके बाद क्योंकि वहाँ और अनुराग ठाकुर के पिताजी वहाँ पर इनके मोर्चे पे थे, इनको सेंटर में लाया गया और लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे वो महासचिव रहे हों या कुछ भी, एक लॉयल जो कार्यकर्ता है, कैडर वाला कार्यकर्ता है, उसकी तरह वो काम कर रहे हैं लगातार। ऐसे में अमित शाह के भी करीबी हैं। और दूसरी बात, क्योंकि एबीपी से जुड़े रहे हैं इसलिए संघ के उस सिस्टम में फिट होते हैं कि ये रीति और नीति संगठन की और पार्टी की दोनों अच्छे से पहचानते हैं। कभी भी आपने नड्डा का कोई ऐसा बयान नहीं सुना होगा जिसको लेके बहुत विवाद हुआ हो, लीक से हटे हों संगठन की तरफ से या पार्टी की तरफ से, तो ये बड़ा ज़रूरी था इस तरह के। हालांकि ऐसा नहीं खाली नड्डा ही अकेले नेता हैं, कुछ और भी नेता हैं, उनमें से नड्डा शायद अमित शाह के ज़्यादा करीबी रहे होंगे, संघ को ने भी उनके नाम पर हरी झंडी दिखाई होगी, इसलिए तय हो गया था और तय बहुत पहले हो गया था। तो क्या माना जाए इनको, यस मैन के रूप में देखा जाए? ठीक है, रीति और नीति जानते हैं, लेकिन नड्डा पे ही विश्वास क्यों? और लोग, बहुत सारे लोग थे। नहीं, बहुत सारे लोग थे। एक टाइम पे मुरलीधर राव का नाम जा रहा था, साउथ में काफ़ी देख रहे हैं काम वो। ऐसे कई लोग हैं और बीजेपी में तो कमी नहीं है, मतलब कि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, किसी ना किसी नाम पे, क्योंकि कई नाम थे, उन चर्चा हुई होगी तब जाके नड्डा का नाम आया होगा, और उसके लिए पहले उनका बैकग्राउंड पूरा देखा गया होगा कि एक तय है यहाँ पे कि सीएम और पीएम और पार्टी अध्यक्ष, मोटे तौर पे सीएम पे एक बार को हो सकता है कि कभी समझौता करना पड़े, लेकिन सीएम पीएम और पार्टी अध्यक्ष ये कैडर से ही जाएगा। चलिए ये मान लिए थोड़ी देर के लिए। तो पीएम मोदी जी के सामने ये भी था कि जब इनको इंडक्ट कर लिया गया कैबिनेट में, गृह मंत्री बना दिया गया अमित शाह को, अब ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो देखिए जो बीजेपी का संगठन है और बीजेपी का जिस तरह से आरएसएस बैकग्राउंड के लोग काफ़ी लोग हैं उसमें एक दिक्कत तो रहती है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गया जो जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस लिहाज से फिट बैठ रहे थे इस खांचे में तभी जाकर वो ऐसा पॉसिबिलिटी है। देखिए, जिस तरह से आपको मालूम होगा जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वहाँ से जनसंघ के लोग जब हटे थे निकले थे, दोहरी सदस्यता के मामले पर मामला सब रायता फैला था। अभी वो ऑफिशियली दोहरी सस्ता नहीं होती, लेकिन अभी भी वो दोहरा ही रिपोर्टिंग होती है उनकी। तो जो बीजेपी अध्यक्ष है वो डे टू डे के काम में उसको रिपोर्टिंग होती है, लेकिन अगर संघ चाहे अनौपचारिक रूप से या अनऑफिशियली मैं बोलूँ तो किसी भी महासचिव को कोई भी ऑर्डर दे सकता है। तो अभी अध्यक्ष है तो वो ऐसे ताकतवर दिखता है, अमित शाह भी ताकतवर दिखते हैं, लेकिन आज अमित शाह अगर सरकार में है तो अभी मैं सोची वो अपनी मर्जी से गए हैं, वहाँ भी हो सकता है उन्हें जाने के लिए मजबूर किया गया हो सकता है। तो इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति रहे थे जब बंगारू साहब ने रिजाइन किया था, और एक बार फिर अभी ये बने हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है 50% स्टेट में जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। दरअसल इसमें एक खास बात जो आपने कहा ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात में, अब ये माना जा रहा है, लोगों ने ये कहा कि अमित शाह के पास क्योंकि आधा टर्म उन्होंने पूरा किया राजनाथ का, एक टर्म अपना पूरा कर लिया, चुनाव होने थे लेकिन संगठन के चुनाव होते उससे पहले देश के चुनाव थे तो वो टाल दिए गए, तो टर्म उनका काफ़ी पहले पूरा हो गया है, तो अब दूसरा जो टर्म होते तो लगातार दो बार कोई अध्यक्ष, उस आधे टर्म को माना नहीं जाता, तो ऐसे लगातार दो बार कोई अध्यक्ष रह सकता है, दो से तीसरी बार नहीं, ये उनके पास ऑप्शन था कि वो 3 साल और रहते, लेकिन 3 साल वो अध्यक्ष रहते तो जब अगली बार चुनाव आएंगे 24 में तब वो टेक्निकली पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते थे। तो ऐसे में ये एक तरह से प्रयोग भी है कि शुरुआत के 3 साल उन्हें यहाँ दे दिए जाएँ, सरकार में दे दिए जाएँ, जहाँ वो कोई बड़ा खेल करते हैं 370 हटाने जैसा या और कुछ हो सकता है, या राम मंदिर बनने जैसा, वहाँ कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री का रोल भी रहेगा, 370 में तो खास तौर पर रहेगा,
फिर उन्हें एक बार फिर कमान दे दी जाए जो उनका और कार्यकाल बचे हुए, लगातार दूर बार नहीं रह सकते, लेकिन हो सकता है कि नड्डा 3 साल बाद अमित शाह उनकी जगह ले लें, ऐसा माना जा रहा है। तो एक बात ये बताई जा रही है कि जो ये 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इसके मद्देनज़र शाह को कंटिन्यू किया जा रहा था कि तब तक जो है आधे राज्यों में चुनाव, तो हर बार कुछ ना कुछ होता रहेगा। अभी मान के चलिए कुछ ना कुछ हर साल 3-4-5 में होता रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये मान के चले कि जो इनके सामने चुनौतियां हैं वो जब तक पार्टी अध्यक्ष हैं वो शाह के सामने भी चुनौतियां हैं, क्योंकि चूंकि इक्वेशन इनके अच्छे हैं शाह से भी और मोदी से भी। चलिए देखते हैं अभी फिर संगठन में भी, मतलब संघ से भी इनके अच्छे हैं चूंकि उसी पृष्ठभूमि से आए हैं। देखते हैं नड्डा जी चूंकि अब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो स्वाभाविक है कि डे टू डे की वर्किंग अब यही देखेंगे, और जब आधे राज्यों में यानी 50% स्टेट्स में संगठन का चुनाव हो जाएगा उसके बाद एक की ऑप्शन ये भी है कि इन्हीं को कन्फर्म कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश ज़्यादा है। और अब ये फैसले की घड़ी है, मतलब अब इनके सामने फैसले लेने की बारी है कि अब ये खुद फैसले लेंगे, बेशक वो अध्यक्ष से पूछते रहें। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।